हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। चलो अभी वॉशिंग मशीन को स्टार्ट कर देता हूँ। चलो अभी हमने सुबह की चाय बनाने के लिए रख दिया है, अभी चाय बनकर तैयार हो चुकी है तो चलते हैं चाय पीते हैं। सुबह के 7:30 हमारी आलू की सब्जी रेडी हो चुकी है। आज उनका एग्ज़ाम है और अब बनाने जा रही हूँ मैं रोटी। उस हनी का लंच बॉक्स रेडी हो गया है, हनी रेडी है। टाइम 8 बज गया है, थोड़ा सा दही खिला के भेजना चाहिए। थोड़ा सा ले ले, गुड़ दही है, ठंडा नहीं है, बाहर ही रख देते निकाल के। थोड़ा सा खाना चाहिए ना, गुड़ दही या गुड़ चीनी, गुड़ जो भी है, चीनी दही। आ जाओ बेटी। यस। खाने का मेथी का पराठा, तो मैं मेथी को वॉश कर रही हूँ, अच्छे से 2 पानी में धोऊँगी, फिर इसके पराठे बनाएंगे आटा गूंद के। चलो अभी मैं हनी को लेने के लिए स्कूल पहुंच चुका हूं। अभी थोड़ा टाइम है, 10 मिनट और है उसका ब्रेक होने के लिए, तो तब तक मैं थोड़ा बाहर वेट कर लेता हूं। से आ गई है, जस्ट ड्रेस चेंज करो, स्वेटर उतारो, पहले तो हॉट हो रहा है, लेकिन सुबह ठंड होती ना, हल्की सी पहना के भेजना पड़ता है। मैंने इसको बोला एग्जाम देने के बाद तू उतार के बैग में रख लेना, पर पता नहीं उतारती नहीं है, शायद वहाँ थोड़ा ठंडा हो क्योंकि ओपन एरिया है ना वो थोड़ा। हनी क्या कर रहे हो? हनी एकदम नहा धो के फ्रेश हो चुकी है, आप वेट करिए लंच का, और लंच भी लग चुका है। लंच में क्या है हनी? पराठा और दही है, बहुत दिनों बाद खा रहे। किसका पराठा है? मेथी का पराठा है, मेथी का पराठा, मेथी का पराठा तो बहुत अच्छा होता है। चलिए शुरू करें, मम्मा वहाँ से गरम गरम पराठा बना के भेज रही है, हम शुरू करते खाने के लिए। ठीक है। ए बेटी, हनी का चल रहा है मिल्क, हनी सो ली है, 2-3 घंटा फ्रेश है। कल हनी का प्रिपरेटरी लीव है, गैप है ना बिट्टू, अच्छे से स्टडी करोगे? सो के लेकिन उठना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ये रोती है नहीं उठूंगी बोल के, बहुत मुश्किल से उठा। कौन ये तो हमें हमारे बिना नीचे भी नहीं जाती। किसे बोलेगा? कोई तो है नहीं, किसे बोलेगा वो? अकेला है ना, लिटिल गर्ल। बोलने के लिए तो एक और चाहिए ना साथ में। बड़ा होगा तब बोलेगा। नहीं बोलेगा बेबी। इन्फेंट है। बेबी इन्फेंट थोड़ी ना। नहीं बोलता। लिटिल गर्ल। ये बिल्डिंग भी रेडी हो गई ना? मम 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 बी ब्लॉक, मम बी ब्लॉक। हां वो रेडी हो गई है। हां बेटा, है ना? 5% काम हो रहा है। हाँ बस अभी ये हैंड ओवर कर देंगे लोगों को, फिर यहाँ भी लोग रहने आएंगे, पूरी लाइट लाइट फिर हो जाएगी, अच्छी नहीं रोशनी हो जाएगी। ये हमारे बिल्डर ने बनाया है ना? सेम। अभी थोड़ा बहुत चल रहा है लेकिन काम। ये भी 7 फ्लोर है ना टोटल? आज तो असेंबली नहीं हो रहा ना स्कूल में, एग्जाम टाइम है ना। हनी तो आज नहाई है, फ्रेश है, अब गर्मी हो रही है ना थोड़ी, बढ़ रही है तो अब जल्दी जल्दी नहलाना पड़ेगा ना। विंटर्स में थोड़ा सा कम नहलाना पड़ता है बच्चों को, नहीं तो फिर कफ कोल्ड ज़्यादा होता है। एक में वो कट दबा है बेटा, नहीं है चला। अरे उठाया नहीं क्या अभी तक? अरे मैं करता हूँ इसको, घोलता हूँ, मिक्स करके देते हैं पापा। इसके नीचे वो भी है, मैं घोलने तो दे, कौन सा घुमाता ना इसको पहले। तो अभी हमने रख दी है इवनिंग की चाय बनाने के लिए, और यहाँ पर चल रही है हनी की पराठा।
पढ़ाई चल रही हो? क्या पढ़ रहे हो बेटा? कंप्यूटर। क्या पढ़ रहे हो? ईवीएस पढ़ रहे ना, कंप्यूटर और ईवीएस पढ़ लो आपके। इसके बाद नेक्स्ट ईवीएस है, फिर कंप्यूटर है और लास्ट हिंदी। हिंदी तो हो गया। ओह सॉरी, इंग्लिश इंग्लिश। हाँ, तीन पेपर हो गए, तीन रह गया, मतलब आधा आपका हो गया काम, अभी आधा बाकी रह गया। वैसे ठीक है, गैप कम है तो जल्दी हो जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो अच्छा है, जल्दी जल्दी फुर्सत हो जाएंगे, नहीं तो और पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, बच्चे भी ज़्यादा हो जाएगा। हार्ड पेपर में तो एक एक दिन गैप है। क्यों बेटा? ठीक है, पैसे देखो फिर गंदा चल जाएगा। एक सेकंड में पेंसिल शार्पन करके भी, ये मानती नहीं। स्कूल में भी ऐसे करते एग्जाम में? नहीं करना बेटा आपको, ये तो सो मैनी पेंसिल लेके जाते आप लोग, चेंज कर करके करना है ना एग्जाम के टाइम पे, वहाँ शार्प नहीं करते रहना, टाइम वेस्ट नहीं कर। पेंसिल लेके जा रही है वो तेरी, इतना तो यूज भी नहीं होता होगा। तो पता नहीं वो एक ही को शार्पन करती रहती है हर एक सेकंड में। चलो ठीक है, टाइम पास करती हो। चलो भाई पढ़ लो फटाफट फिर। ओके, हाँ तो आप तो प्ले कर रहे हो। ओके ओके सर, चलो ठीक है भाई। हनी हाँ बोल रही है, क्या कर रही है मम्मा? देख मम्मी कॉकरोच किल कर रही है। छोटे छोटे कॉकरोच, बेबी कॉकरोच होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, वो आ रहे हैं, मैंने कहा बड़े हो जाएंगे तो ऐसे स्प्रे कर देती हूँ। हाँ ठीक है, आप प्लेटफॉर्म नहीं छूना, डोंट टच दिस। ओके, नहीं नहीं बोला तो फिर हो गया। हाँ वहाँ नहीं गया। अरे आपका नहीं, आपका काम नहीं है ना बेटू। नहीं ना, चलो आप ब्रश कर, परफ्यूम है कॉकरोच का, परफ्यूम कॉकरोच के लिए परफ्यूम है। कॉकरोच का परफ्यूम है, ठीक है, कॉकरोच मर जाते हैं इससे। चलो भाई आप ब्रश कर लो, कूद रहे हो इधर उधर, बुला रहा ब्रश के लिए, आ नहीं रहे भाई। ये मैंने कॉकरोच स्प्रे किया था क्योंकि प्लेटफॉर्म पे छोटे छोटे, जब लाइट ऑफ करो ना तो बेबी कॉकरोच आ रहे थे सब, फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो फिर मैंने स्प्रे किया और फिर अच्छे से पूरा प्लेटफॉर्म को पोंछ दिया, तो ये पूरा नीट एंड क्लीन हो गया। बॉर्डर्स वगैरह भी सब हटा के मैंने पोंछा था, स्प्रे किया था, क्योंकि इनके पीछे भी कॉकरोच थे, तो सब बॉर्डर्स हटा के फिर अच्छे से स्प्रे करके, फिर अभी भी मुझे एक दिख रहा है, अब ये चल रहा है ये। चलो अब इसको नेक्स्ट टाइम करेंगे, तो 90% मर चुके हैं। हनी का कल एग्ज़ाम नहीं है, 11:30 हो रहे हैं, वो अभी रेस्ट रूम में है तो 12 बजे तक शायद सो जाएगी, क्योंकि दोपहर में सोई थी 2-3 घंटा, तो कल तो उसकी छुट्टी है, वैसे भी एग्ज़ाम नहीं है, तो आराम से सो के उठेगी। हनी गुड नाइट स्वीट ड्रीम। ये क्या है? सोना सोना है, क्या हुआ आपका टीथ? हिल रहा है, एक और टीथ हिल रहा है, कोई बात नहीं, मत हिलाओ ज्यादा उसको, वो भी टूट जाएगा कुछ दिन, कोई बात नहीं, निकले निकलेगा, न्यू टूथ आएगा फिर आपका, ठीक है। आए उसको हिलाना नहीं जाना, फिर वो ब्लड निकल जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता हिल हिल के ना अपने आप वो टूट जाएगा, जैसे वो लास्ट टाइम टूटा था ना आपका एक, तो वैसे निकल जाएगा, ठीक है, डोंट वेरी, बार बार उसमें हाथ नहीं लगाना, ठीक है, ओके। चलो बहुत टाइम हो गया, फिर सो जाओ, फिर सभी को बाय कर दो, फिर बाय।